गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा ऐसे से दिख रही हूँ मैं क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है वो भी 2 बजे एंड इट्स 11:15 राइट नाउ। बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करा है, रिवीजन तो छोड़ो पढ़ा ही नहीं है, तो उसका क्या ही बोलूँ। अब मैं उठी हूँ, 1 घंटा हो गया, फटफट मैं सेशन अब ही रेडी हुई एंड अब मैं पढ़ने बैठूँगी। ऑल्सो लेट्स हैव सम टी फॉर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि खुद को चुकाना भी है। गाइस एग्जाम ओके गया, बट अभी 8 बज रहे हैं शाम के और कुछ नहीं पढ़ा है। कल 10 बजे एग्ज़ाम है, आज वाला एग्ज़ाम मेरे को लगा था अच्छा गया, लेकिन अभी पता चला मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, सब तो बहुत ही बकवास गया, पता नहीं अच्छी पास हो जाएंगे। और मैं सोचा था मैं सो, लेकिन मैं नहीं सो पाई, नहीं हम पढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम दैट इज सेकेंड एग्ज़ाम एंड बिल्कुल भी एकदम कुछ याद नहीं रह रहा है। रात को 3 बजे सोई थी और अभी मैं उठ भी गई 8 बजे, 8 बजे क्योंकि 7:30 बजे जल्दी से रेडी रेडी हुई थी, मैं वापस करने बैठ गई थी, कुछ याद नहीं रह रहा है। मैं जा रही हूँ कॉलेज। कल के पेपर में क्यों तुम हॉस्पिटैलिटी में? कैसा गया पेपर? एग्जाम पास हो जाएंगे, कोशिश यही है हमारी।
चॉपर बोल रहे हैं। आयु इस बार हिल गया यार। कैसा गया? एकदम फटाफटी। क्या ही मारे? कैसा गया? भगवान साक्षात रूल पोषण। कैसा गया? बहुत अच्छा। ये कभी नहीं आने वाले। हेलो हेलो हाय हाय हाय। मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ है। मैं सारे क्वेश्चन खत्म करके आई हूँ। आई तो खुशी हो रही है। हाँ अपने दोस्त की मदद से लो बोल दिया मैंने। आज मेरा थर्ड एग्जाम था एंड ऐसे रोज रोज एग्जाम हो रहा है ना, एकदम हेक्टिक हो चुका है। सो ही नहीं पा रहे हैं ढंग से। रात को 2 बजे सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं वापस जल्दी से, फिर पढ़ रहे हैं, फिर एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। तो तभी वापस सो भी नहीं पाए क्योंकि वापस कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ा है। सब उसके लिए पढ़ने बैठेंगे एंड इट्स ऑलरेडी 6:30 राइट नाउ। 4 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। थोड़ा खूब फिर के आया, खा पी के आया, तो 6:30 हो गया। 6:30 नहीं, 6 o'clock तक मैं आ गई थी। फिर मैं थोड़ी देर सो गई। अब वापस पढ़ने बैठते हैं। तो आज मेरा 4th एग्ज़ाम था एंड अच्छा गया। मेरे को पूरा पेपर आता था और मैं ऐसे जो लिख के आई हूँ ना, और प्लस जो मतलब हमारे साथ BBA वालों का भी था, तो फिर BBA वाले बैठते हैं बेसिकली, तो उनका वो एग्ज़ाम हो चुका था। तो मुझे जो भी नहीं आता था मैं उनसे पूछ रही थी। मुझे नहीं बोलना चाहिए ये सब यूट्यूब चैनल पर, बस ठीक है। एवरीवन सब चीटिंग करते हैं यार, और जो नहीं करता है वो ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, कभी मत करो यार। लेकिन जो करता है वो करता है, क्योंकि बिना चीटिंग में मुझे ऐसा लगता है पेपर एग्जाम देना इज़ लाइक ओहो क्या किया। तो मैंने तो बहुत चीटिंग करी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है, तो मैं अभी भी कर रही हूँ। क्योंकि यार बिना चीटिंग कैसे लगता है क्या, ठीक है जब एग्ज़ाम आता है तो मत पूछो। जैसे आज मुझे सिर्फ मैं कंफर्मेशन के लिए पूछी, और जो मुझे आता है तो मैं क्यों किसी और से पूछूं और डाउट लेके आऊँ। सो यस, क्योंकि मेरे पिछले 3 एग्ज़ाम से ऐसा हो रहा था कि जो मैं लिख के आ रही थी वो उसमें नहीं था, और वो किसी और टॉपिक का सब्जेक्ट है, लेकिन टॉपिक है, लेकिन मैं उसमें लिख के आ रही। तो मुझे आज कंफर्मेशन करने के लिए मैंने करा, बट मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया आज, थैंक गॉड, टच वुड। अब कल और मंडे को है 2 एग्ज़ाम रह गए, तो आई एम फाइनली हैप्पी। कल की बुक तो बहुत पतली है, और मंडे वाले में 2 छुट्टी है, तो यस वी कैन डू इट, कैन डू इट एंड वी डू इट। Guys.
guys, and today was the last exam of ours and it went like okay. इतना भी अच्छा नहीं गया तो इतना बकवास भी नहीं गया. That's it guys for the vlog. I hope you like this. Please don't forget to like, share and subscribe. And I will meet you guys soon with a new vlog. Bye!